नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपनी शिक्षा में। मैं हूं आपके साथ अजीत नाई। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पश्चिम बंगाल के वर्तमान अलीपुर द्वार सांसद और आदिवासियों के प्रमुख नेता कहे जाने वाले श्री जॉन बरला जी के बारे में, और जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को और समझेंगे उनके राजनीतिक सफर को। इनका जन्म 27 दिसंबर 1975 को वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी क्षेत्र के लखीपाड़ा टी गार्डन में हुआ। इनके पिता का नाम श्री थॉमस बरला और माता का नाम श्रीमती गुंजेर बरला है। अगर बात करें जॉन बरला जी के बचपन की, तो ये घर में सबके चहेते रहे हैं। इनका बचपन असुविधाओं से भरा था, क्योंकि इनके माता पिता टी गार्डन वर्कर रहे। जितनी मजदूरी मिलती वो काफी नहीं थे सर सुविधाओं के लिए, जिससे कि इनकी पढ़ाई में रुकावट होने लगी। क्लास 8 तक की पढ़ाई करने के बाद आगे की पढ़ाई क्लास 11 तक ही कर पाए, महावीर हिंदी हाई स्कूल बीरपरा से। पढ़ाई छोड़ने के बाद वे एज अ टी वर्कर बगान में काम करने लगे थे। उस समय अगर किसी भी आदिवासी के प्रति किसी प्रकार का अत्याचार देख ले तो उसके खिलाफ आवाज उठाने में तनिक भी देर नहीं करते थे। इसी के साथ जॉन बरला धीरे धीरे आदिवासियों के प्रतिकारक बन गए, क्योंकि वे आदिवासियों के हित के लिए हमेशा काम कर रहे थे। इसके चलते वे उनके अनुयायी बन गए। इन्होंने ही शुरुआती समय में आदिवासियों के सुविधाजनक मांगों को वेस्ट बंगाल सरकार के समक्ष रखा, लेकिन जब वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिक्रिया न आई तो आदिवासियों को संगठित कर आदिवासी विकास परिषद का भी गठन किया, और इन्होंने ही सरकार से मांग रखी कि माध्यमिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्र हिंदी में हो, दूसरा करम पूजा की छुट्टी डुअर्स में हो, और तीसरा हिंदी कॉलेज का निर्माण होना चाहिए। जब 2008 में GJM यानी कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा डुअर्स में अपना अस्तित्व बनाने के लिए कदम रखा, तो जॉन बरला के नेतृत्व में ही आदिवासी विकास परिषद ने रोकने का काम किया और डुअर्स में GJM के कदम को टिकने नहीं दिया। साल 2016 विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल, देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी BJP के MLA उम्मीदवार के रूप में जॉन बरला खड़े हुए। दूसरी ओर विपक्षी रूप में TMC के उम्मीदवार सुकरा मुंडा खड़े हुए थे। इस चुनाव में TMC उम्मीदवार सुकरा मुंडा की जीत हुई और जॉन बरला कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पर आए और उनका इस चुनावी प्रक्रिया में हार हो गई थी। लेकिन पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। साल 2019 का 17वां लोकसभा चुनाव, जिसमें BJP से अलीपुर द्वार सांसद के उम्मीदवार के रूप में जॉन बरला खड़े हुए और इस चुनाव में काफी भारी बहुमत से अपनी जीत को दर्ज की, और इसी के साथ देश के सबसे बड़े पंचायत यानी कि लोकसभा में एक सांसद के रूप में शपथ ली। आज वर्तमान समय में यूथ के लिए वे प्रेरणादायक हैं कि एक चाय बगान में रहने वाला आम नागरिक भी देश के सबसे बड़े मंच पर पहुंचकर हमारे लिए संसद में बातों को रख रहा है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जॉन बरला सर जी मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है, क्योंकि मैं उनसे बहुत बार मिल चुका हूँ। ग्रेट एक्सपीरियंस, उनकी बातें यूथ को प्रोत्साहित करती है आगे बढ़ने के लिए, और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस वीडियो के अंतर्गत मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई है, मैं होप रखूंगा कि आपको अच्छी लगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, इम्पोर्टेंट लगे तो इसे ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने पर मुझे एक मोटिव मिलता है कि मैं यूथ एज अ यूथ जनरेशन के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूँ, ताकि उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिले, वो इंस्पायर हो।
हर एक चीज़ से। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।